टाटा ग्रुप ने बिस्लरी के साथ अपनी 7,000 करोड़ रुपए की डील को कैंसिल कर दिया है। बट क्यों? आज से करीब 5 महीने पहले बिस्लरी के चेयरमैन मिस्टर रमेश चौहान ने ये डिसाइड किया था कि वो बिस्लरी को सेल करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास बिस्लरी को आगे बढ़ाने के लिए कोई सक्सेसर नहीं है एंड उनकी खुद की एज 80 साल से ज्यादा हो चुकी है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने इस ब्रांड को अक्वायर करने में इंटरेस्ट दिखाया था, क्योंकि ये अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को और एक्सपैंड करना चाहते थे और अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी और वाइड करना चाहते थे। एंड इस डील की एस्टिमेटेड प्राइस थी ₹7,000 करोड़। लेकिन अब इस कंपनी के चेयरमैन मिस्टर रमेश चौहान ने बताया कि अब ये इस डील को परस्यू नहीं करेंगे एंड बिस्लरी को इनकी डॉटर जयंती चौहान लीड करेंगी। जयंती चौहान करंटली कंपनी की वाइस चेयरपर्सन है एंड इन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया था जब ये 24 साल की थी और इन्होंने बिस्लरी के ऑपरेशंस के ऑटोमेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इकोनॉमिक टाइम्स के अकॉर्डिंग टाटा ने इस डील को बिस्लरी की इनडिसिसिवनेस की वजह से कैंसिल किया। डू यू थिंक बिस्लरी का ये डिसीजन सही है? लेट अस नो इन द कमेंट्स।